जी प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। एक्सलेंसी राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा, एक्सलेंसी राष्ट्रपति पुतिन, एक्सलेंसी राष्ट्रपति शी, लेडीज एंड जेंटलमैन, 15वें ब्रिक्स समिट के भव्य आयोजन और हमारे आतिथ्य सत्कार के लिए मैं प्रिय मित्र राष्ट्रपति रामाफोसा को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जोहान्सबर्ग जैसे खूबसूरत शहर में एक बार फिर आना मेरे और मेरे डेलीगेशन के लिए अत्यंत खुशी का विषय है। इस शहर का भारत के लोगों और भारत के इतिहास से पुराना गहरा संबंध है। यहां से कुछ दूर ही टॉल्स्टॉय फार्म है, जिसका निर्माण महात्मा गांधी ने 110 वर्ष पहले किया था। भारत, यूरेशिया और अफ्रीका के महान विचारों को जोड़कर महात्मा गांधी ने हमारी एकता और आपसी सौहार्द की मजबूत नींव रखी थी। एक्सलेंसीज, पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने एक बहुत ही लंबी और शानदार यात्रा तय की है। इस यात्रा में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट्स के माध्यम से हमने फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का निर्माण किया है। ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, वैक्सीन R&D सेंटर, फार्मा उत्पादों को पारंपरिक मान्यता जैसी पहलों से हम ब्रिक्स देशों के आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। यूथ समिट, ब्रिक्स गेम्स, थिंक टैंक काउंसिल जैसे इनिशिएटिव से हम सभी देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज मजबूत कर रहे हैं। ब्रिक्स एजेंडा को नई दिशा देने के लिए भारत ने रेलवे रिसर्च नेटवर्क, MSMEs के बीच करीबी सहयोग, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस, स्टार्टअप फोरम जैसे कुछ सुझाव रखे थे। मुझे खुशी है कि इन विषयों पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एक्सलेंसीज, हमारे करीबी सहयोग को और व्यापक बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है स्पेस के क्षेत्र में सहयोग। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पेस रिसर्च, वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रहेगी। भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुंचाने के लिए दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। विविधता भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी समस्या का हल इस विविधता की कसौटी से निकलकर आता है, इसलिए ये सॉल्यूशंस विश्व के किसी भी कोने में आसानी से लागू हो सकते हैं। इस संदर्भ में भारत में विकसित इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। मेरा दूसरा सुझाव है कि एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्किल मैपिंग पर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। मेरा चौथा सुझाव है बिग कैट्स के संबंध में। ब्रिक्स के पांचों देशों में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत हम इनके संरक्षण के लिए साझा प्रयास कर सकते हैं। मेरा पांचवा सुझाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर। हम सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इकोसिस्टम है। क्या हम मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बना सकते हैं? एक्सलेंसी, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 125 देशों ने भाग लिया और अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को साझा किया। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। मुझे विश्वास है कि सभी ब्रिक्स पार्टनर्स G20 में भी साथ है और सभी हमारे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इन सभी प्रयासों को ब्रिक्स में भी विशेष स्थान दिए जाने से ग्लोबल साउथ के देशों को उनका आत्मबल और बढ़ेगा। एक्सलेंसी, भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड शेपिंग द फ्यूचर। हम सभी ब्रिक्स पार्टनर के साथ मिलकर इस नई परिभाषा को सार्थक करने में सक्रिय योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सीधा प्रसारण ये जोहानिसबर्ग से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लीनरी सेशन में अपने संबोधन में कहा कि भारत ब्रिक्स के इस अंतर्राष्ट्रीय महत्व के इस मंच पर अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने नई परिभाषा भी दी। उन्होंने कहा कि इसके पहले जब हमने अध्यक्षता की ब्रिक्स की तो हमने